हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ना ही मैं एक भी एडिटिंग करूंगा, ना ही इस वीडियो में कोई बैकग्राउंड में गाना वाना बजाऊंगा, ना ही कोई आगे जो फोटोज दिखाई देता है वो सब दिखाऊंगा। ये वीडियो एकदम नॉर्मल होने वाली है क्योंकि हमारा फोफड़ा खराब हो चुका है। ये वीडियो मैं खास करके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत में आजकल बहुत ज्यादा ही रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं कि पूछो मत। ये रेप छोटी बच्चियों के साथ हो रही है, लड़कियों के साथ हो रही है, स्टूडेंट के साथ हो रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे भारत में पहले नहीं हुआ करता था। जिस तरह से कलयुग आ रहा है उस तरह से इंसान बौरा गए हैं पूरी तरह से। मेरे भाई मित्र, इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एक चीज करना, अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है तो उसको 2 लात मार के सोशल मीडिया से डिसकनेक्ट करवा दो, एक्टिव मत होने दो, क्योंकि इन सब का मेन कारण सोशल मीडिया ही है। क्योंकि सोशल मीडिया का यूज कोई अच्छे कामों के लिए नहीं करता। जैसे कि मैं संस्कारी वीडियो बनाता हूँ, भगवान से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, सोचता हूँ कि ये बातें लोगों तक पहुंचे, लेकिन ऐसी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। लोग वही वीडियो देखते हैं जिसमें लड़कियां अपना जो भी है करके दिखाती हैं, मुजरा बुजरा, वो जो पहले पैसा देके देखना पड़ता था वो आज फ्री में देखने को मिल रहा है। इन सब का मेन कारण यही है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा सेक्सुअल चीजें देखने के वजह से ही हमारे लड़के आदमी बौरा गए हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं, मतलब जो कि बहुत घिनौना है। ऐसा कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए तो भी वह ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो अपने बच्चों को खास करके ऐसे चीजों से बचाए, और जो ऐसी चीजें कर रहा है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि जो शरीफ है, जो संस्कारी है, उनके साथ ही ऐसी घटना ज्यादातर हो रही है। तो हमारे नीचे जो या इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा तो इसे जाके फॉलो कर लेना, इसमें कमेंट कर देना, भैया फॉलो करके एक मैसेज कर देना। देखना जितने भी नंगा पुंगा वीडियो बनाते हैं ना, सबका आईडी डिलीट न करवा दिया, बैन न करवा दिया, तो नाम चेंज करवा देना। जितने भी लोग कर सकते हैं जाके करो। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर भगवान की तरफ आप चलोगे तो आपको अच्छी मार्ग मिलेगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा, हमेशा खुश रहोगे। अगर सेक्सुअल चीजों की तरफ चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बौरा जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। भैया बहुत बेकार चीज है ये, बोलने की वजह से पसीना भी आ रहा है, गाली भी आ रहा है, लेकिन गाली नहीं दे सकता मैं।